तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इंडिया से सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट कब चालू होगा, और ये भी बात करेंगे कि ये 700 फ़्लाइट एयर इंडिया ने अनाउंसमेंट किया है वो 700 फ़्लाइट कौन कौन सा कंट्री के लिए जाने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा दिसंबर में चलने वाला है 700 फ़्लाइट, और सऊदी अरब के लिए क्या अपडेट आ रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जो है सऊदी अरब के लिए जो है बातचीत चल रहा है, अभी तक मीटिंग पूरा, अभी तक अपडेट कोई नहीं आया है कि सऊदी अरब के लिए फ़्लाइट इंडिया से कब रहेगा। लेकिन जो लोग का एग्जिट री एंट्री वीज़ा वैलिड है वो लोग दुबई जाकर के 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद आ रहे हैं सऊदी अरब, और ये नए लोग जिनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है उन लोगों के बारे में अब यही अपडेट आ रहा है कि आपका अगर वीज़ा एकदम एक्सपायर हो चुका है तो आप अपना पैसा डाल करके खुद बढ़वा लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, एयर इंडिया इंटरनेशनल उड़ान 1 दिसंबर को वंदे भारत मिशन के तहत 1 दिसंबर से पूरा दिसंबर जो चलने वाला है 700 फ्लाइट, उस देश का नाम यहाँ पे बताया जा रहा है कि दिसंबर 2020 में एयर इंडिया बैंकॉक, कोलंबो, कुवैत, रनौबी, रोम, सिंगापुर, सिडनी, तेल अविव और यंगून से उड़ान संचालित करेगा। ठीक है, ये देश में जो है फ्लाइट जाने वाला है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस 6 देश के लिए 700 से अधिक उड़ानों का संचालन करेगी। बहरीन और मलेशिया, ओमान, कतर, सिंगापुर और यूएई वंदे भारत मिशन और एयर बबल्स फ्लाइट के तहत, ये एयर बबल्स फ्लाइट और वंदे भारत मिशन में जितना भी फ्लाइट चलने वाला है, ये देश में जो देश का मैं आपको नाम बताया हूँ 700 फ्लाइट चलने वाला है जो कि पूरा दिसंबर के लिए चलने वाला है, इसमें दोस्तों सऊदी अरबिया का नाम अभी तक एयर इंडिया ने ट्वीट करके नहीं बताया है, और ये न्यूज़पेपर वाले भी एयर इंडिया का सऊदी अरब का नाम जो है नहीं दिखा रहा है। जो जो देश में जाने वाला है फ्लाइट, उस देश में आप टिकट ले करके आप उस देश में जा सकते हैं, PCR टेस्ट करवा के आप जा सकते हैं।